हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ दिसंबर मंथ करंट अफेयर फर्स्ट वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है क्योंकि दिसंबर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे इसलिए सेकंड वीडियो प्रोवाइड करना कंपलसरी था ओके सो गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड टुमारो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू नेक्स्ट करंट अफेयर एंड प्लीज़ कमेंट मीन द कामेंट बॉक्स इफ़ यू वॉन्ट जी के एंड इंग्लिश और साइंस सेपरेटली मॉक टेस्ट ओके सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द बुक पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट ऑन दिसंबर 2020 तो so, किस मिनिस्ट्री ने ये पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट ये बुक रिलीज की है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये बुक रिलीज की है बेस्ड ऑन फार्मर्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू फोर्टी तक करेंट अफेयर प्रोवाइड कर दिए थे ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन टू सेल्स टारगेट्स सो इनमें से कौन सी बुक ये लिखी है रोमांसिंग टारगेट सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए निधिधीरा ठीक है ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दिस बुक इज रिटन बाय निधिन वधीरा ओके

हू हैज रिटिन द बुक टाइटलर ऑफ द ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद इज ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल ठीक है ये बुक किसने रिलीज की है रिटिन की है दट इज रिटन बाय रमेश पोखरियाल बुक नेम्ड इज पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड गाइज टूडे ओनली आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू माइटॉसिस दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिविजन बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव वेयर डिड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी द थ्री लेन वन पॉइंट फाइव किलोमीटर लॉन्ग कोलीवर ब्रिज तो सिर्फ आपको याद रखना है ये जो कोलिवर ब्रिज है ये किस स्टेट में है सो दिस ब्रिज कनेक्ट टू स्टेट बेसिकली दैट इज यूपी एंड बिहार तो ऑप्शन में या तो यूपी देंगे या बिहार देंगे तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च स्कीम टू टेक द यूनिक कल्चर ऑफ इट्स एथिक थारू ट्राइब अक्रॉस द वर्ल्ड सो आपको याद रखना है ये ये जो थारू ट्राइब है बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट स्टेट से बिलोंग करती है दैट इज उत्तराखंड यूपी एंड बिहार तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है लेकिन यहाँ पर पूछा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है थारू ट्राइब से रिलेटेड ठीक है उनके कल्चर को डाइवर्सिफाई या फिर शो करने के लिए So, इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी सेवन विच इंडियन यूनियन टेरिटरी हैज बिन डिक्लेयर इंडिया इंडिया फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकेम हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक तो वैसे तो इंडिया का जो फर्स्ट स्टेट है ऑर्गेनिक स्टेट दैट इज सिक्किम ठीक है सिक्किम इज द इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बट यहाँ पर पूछा इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बन गई तो है ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी बन गई है तो इसका करेक्ट आंसर है लक्ष्यदीप ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि ऑर्गेनिक का जो स्टेटस है इन्होंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया ठीक है वो जो लक्ष्य था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट इतना बड़े ये नाम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री ठीक है शेख सभा अल खालिद अल अहमद अल सभा

So, इनकी रीसेंट में डेथ हुई इसलिए न्यूज़ तो कपानी है, तो है so, सिंह कपानी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी अन्यूमेटेड कोविड नाइन्टीन वाइब्रेंट हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच नेशन कोविड नाइनटीन जो रिसेंट में चल रहा है नोवेल कोरोना वायरस ठीक है इसका जो म्यूटेंट वाइब्रेंट है वो फाइंड किया गया है किस कंट्री में तो इसका करेक्ट आंसर है यूके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन विच नेशन स्ट्रीट फूड हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी तो आपको बताना है इनमें से किस कंट्री के स्ट्रीट फूड को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट का अब अब स्टेटस मिला है तो इसका करेक्ट आंसर है यूनेस्को ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू विच टू प्लैनेट्स

एंड ऑफ फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसन सेहत स्कीम इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस स्टेट में सेहत स्कीम लॉन्च की है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर विराट कोहली हैज बीन रैंक विच पोजिशन इन द आईसीसी टी ट्वेंटी रैंकिंग फॉर बैट्समैन आपको बताना है इनमें से कौन सी रैंक पर विराट कोहली को रखा गया है आईसीसी टी ट्वेंटी रैंकिंग में सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेवेंथ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव हैज बीन नेम्ड सोशल ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अशरफ पटेल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है

आई एम वेरी ईगर टू अपलोड डेली वीडियोज़ बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई कांट अपलोड डेली वीडियोज़ बिकॉज काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो मुझे पता है ना आपके भी कमेंट आते हैं कि इस पर वीडियो बनाओ तो दे आर मैनी कमेंट्स दे आर मेनी यू नो सजेशंस फॉर अपलोडिंग वीडियोज़ बट टाइम की कमी की वजह से मैं आपको डेली वीडियोज़ नहीं प्रोवाइड कर सकती सो आई ट्राई टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम स्टार्टिंग जी के ठीक है स्टार्टिंग जी के से मेरे काफ़ी टॉपिक्स हैं रह गए हैं और इंग्लिश में भी आपके सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट का मैं आपको रूल्स पहले प्रोवाइड कर दूंगी वो इंपॉर्टेंट है ठीक है ओके, सो क्वेश्चन जन प्राइज फॉर मैथमेटिशियन फॉर द टू थाउजेंड ट्वेंटी मिला है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए डॉक्टर इज द होस्टिंग आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये कौन होस्ट करेगा इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन डो हैज बीन री एलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री सो नाना ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट री एलेक्ट हुए हैं दोबारा अपॉइंट किए गए हैं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज घाना तो इजिली आप लर्न कर सकते हो घाना में साउंड आ रहा है नाना ठीक है तो जो नाना है वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं दैट इज घाना अब घाना की जो करेंसी है दैट इज सेडी ठीक है सेडी एंड यहाँ की कैपिटल है एक्रा

तो इन्होंने हिंद केसरी का टाइटल अपने नाम किया था 1959 में तो जो श्रीपति कांचले हैं ये किस फील्ड से रिलेटेड हैं किस स्पोर्ट से ऑप्शन रेसलर फुटबॉलर और टेनिस प्लेयर सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रेसलर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर तो श्रीपति वॉज अ रेसलर क्वेश्चन नंबर स्टेट कैबिनेट हैड अ बिल फॉर मेकिंग बोडो इन देवनागरी स्प्रिट स्क्रिप्ट सॉरी एंड एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट सो जो बोडो है वो किस स्टेट की एक यू नो लैंग्वेज है सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज असम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बोडो इज लैंग्वेज फ्रॉम असम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन डिजिटल ओशन टू शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन मराइन डाटा एंड फॉरकास्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड साइंस की एक एनाटोमस एक बॉडी है ठीक है तो इसका कान इसका नाम है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा इंपॉर्टेंट है ये बुक द लाइट ऑफ एशिया बुक रिटन बाय ऑप्शन ए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर जयराम रमेश ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दिस इज द बुक द लाइट ऑफ एशिया रिटन बाय जयराम रमेश नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव विच टाइगर रिजर्व विल विटनेस द कंट्रीज फर्स्ट हॉट एयर बेलून वाइल्ड लाइफ सफारी इन अ टाइगर रिजर्व तो इनमें से किस टाइगर रिजर्व को फर्स्ट हॉट एयर बेलून वाइल्ड लाइफ सफारी स्टार्ट की गई है उस टाइगर रिजर्व में सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ठीक है इन मध्य प्रदेश सो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ऐसे हॉट एयर बेलून्स की सफारी वाइल्ड लाइफ सफारी स्टार्ट की गई है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स विच कंट्रीज होस्ट द पोस्टेड ट्वेंटी ट्वेंटी ऑफ मेन्स अंडर ट्वेंटी एंड अंडर सेवेंटीन वर्ल्ड कप इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अंडर ट्वेंटी जो वर्ल्ड कप थे 2021 के वो कब पोस्टपोन कर दिए गए हैं 2023 के लिए ठीक है तो 2021 में होने वाले थे लेकिन अब कब होंगे 2023 में और मेंस अंडर ट्वेंटी कहाँ होंगे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज इंडोनेशिया एंड पेरू ठीक है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स ठीक है पहले अंडर ट्वेंटी होंगे इंडोनेशिया में एंड अंडर सेवेंटीन होंगे पेरू में इन टू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन हैज़ बीन कन्फर्म विद द डॉक्टर नरेंद्र धालोकर मेमोरियल अवार्ड फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी सो ये जो अवार्ड है डॉक्टर नरेंद्र धालोकर मेमोरियल अवार्ड दो हजार बीस के लिए किसको दिया गया है इसका करेक्ट आंसर है के विरामनी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर के विरामनी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट फ्लोरिन सी टू इज इलेक्टेड एज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री सो so, इसका करेक्ट आंसर है रोमानिया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है फ्लोरिन सी टू फ्लोरिन से आप याद रख सकते हो फ्लोरिन दैट इज रोमानिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन विथ लद्दाख सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स एडेड टू सॉरी विद लद्दाख सोकार जो वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है अब एड हो गया इंडिया के रामसर साइट में तो आपसे पूछा गया आप टोटल रामसर साइट इंडिया के अंदर कितनी है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए फोर्टी टू तो टोटल आंसर साइट्स कितनी इंडिया के अंदर फोर्टी टू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी इंडिया सॉरी दिल्ली मेट्रो वॉज लॉन्च ऑन विच लाइन तो इंडिया की पहली ड्राइवरलेस जो मेट्रो है वो कौन सी लाइन पर चलेगी ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर सो दिस इज द ड्राइवरलेस ट्रेन रन ऑन मैजेंटा लाइन

सो so, आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हो कि ऑप्शन इसका वैसे करेक्ट आंसर सी है तो जो कानपुर है ऑल्सो नोन एज लेदर सिटी ऑफ इंडिया ठीक है तो लेदर सिटी बोलते हैं ऐसे इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सो दिस वॉज द कंप्लीट करेंट अफेयर इंक्लूडिंग पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑफ दिसंबर करंट अफेयर आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो मच